हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं, वो चाहे लेडीज़ हों जेंट्स हों, कि सुगम मेरी सांस बहुत फूलती है और जिसकी वजह से मुझे उठने बैठने की प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा सीने में प्रॉब्लम रहती है। और मतलब कि यही उनका कहना है कि मेन जो सांस फूलने की बीमारी है या जो भी है, या फिर आपको दमा है या कुछ भी है, तो उससे उनको क्या होता है, और चीज़ें भी साथ में जुड़ जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही चीज़ शेयर करने वाली आई हूँ जिससे आपका जो है वो सांस फूलने की बीमारी जाएगी और साथ ही साथ आप अंदर से क्लीन हो गए, यानी आपके जो फेफड़े गंदे हैं जिसमें टार जमा हो गया है, जो पिंपिंग आपके फेफड़े हैं जिसमें गंदगी बहुत जम गई है, वो गंदगी किसी वजह से भी जम सकती है, चाहे आप बाहर जाएं पोल्यूशन की वजह से, या जो लोग गांव में रहते हैं धुएं की वजह से, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं जिसकी वजह से भी हो, अगर वो टार जमा हो गया है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको पता भी नहीं होगा कि उसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको दमे की शिकायत हो सकती है, आपको सांस फूलने की बीमारी हो सकती है और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही चीज़ शेयर करने आई हूँ जिसकी वजह से अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे लोगे तो आपका जो भी टार जमा हो गया, जो भी गंदगी जमा हो गई है हमारे फेफड़ों में, वो पूरी तरह से निकल जाएंगे और बहुत ही नेचुरल तरीके से निकलेंगे। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ नेचर श्योर के लंग प्योर की। ये आपके क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लंग्स को क्लीन करेगा, हील करेगा, जो भी उसमें प्रॉब्लम है उसे बहुत अच्छे से निकालेगा। और सच में मैं बता नहीं सकती कि जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से उसको सही करेगा, क्योंकि क्या होता है कि हमें भी नहीं पता चलता कि हमें क्या हुआ है। हम सारे टेस्ट करा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं और आई थिंक टेस्ट में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं और इतनी दे भी नहीं पाते हैं। और जो लोग स्मोक नहीं करते हैं वो तो सोच भी नहीं सकते कि मेरे फेफड़ों में गंदगी जमा है, ये ब्लैकनेस जमा हो गई है, नहीं सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती कि जो लोग स्मोक करते हैं उनकी ही लंग्स में गंदगी है, आप अगर बाहर भी जाते हो तो आज आप देख रहे हो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से भी आपके फेफड़ों में टार जमा हो सकता है, गंदगी जमा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको आज नहीं कल प्रॉब्लम होनी है, सांस फूलने की प्रॉब्लम होनी है, दमा होना है, अस्थमा होना है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होनी है जिनको मैं अभी उतना ज़्यादा डिफाइन भी नहीं कर सकती। तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लंग्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, क्लीन करने के बाद उन्हें बहुत अच्छे से हील भी करता है। तो चलिए मैं इसका एक आपको जो है वो रिव्यू भी दिखा दूँ कैसे क्या है और कितने का है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। इसमें देख सकते हैं लंग प्योर तो पूरी तरह से 100% नेचुरल है, 60 कैप्सूल के आते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि इसे कोई भी ले सकता है, 18 साल के ऊपर से इसे कोई भी ले सकता है, वो आगे मैं बात करूंगी। क्या प्यूरीफायर एंड डिटॉक्सीफाइड लंग्स, आपके लंग्स को पूरी तरह से डिटॉक्सीफाइड करेगा, हील टिश्यू डैमेज ड्यू टू पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से जो भी टिश्यू डैमेज हो गए हैं उन्हें सही करेगा। प्रोवाइड रिलीफ फॉर स्मोकर कफ, अगर आपको स्मोक की वजह से कफ है तो उसको भी ये सही करेगा। बूस्ट लंग इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, आपके लंग्स को इम्यून करेगा, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है वो 100% नेचुरल है, मॉडर्न हर्ब्स का भी कॉम्बिनेशन है। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि मुझे नेचर श्योर की जो पैकिंग है वो हमेशा से अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने इसे मंगवाया और आपके साथ रिव्यू भी किया। अगर आप मेरे समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसके साथ पूरी गाइड दी हुई है आप देख सकते हैं, और इसकी पैकेजिंग ऐसी है, जितने भी इसमें जो दिए हुए हैं कंटेंट दिए हुए हैं 100% नेचुरल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचें कि क्या है, सारे मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। और इसकी जो कॉस्ट है वो है 896। आपको अगर बहुत ज़्यादा कफ रहता है, कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये उसको भी दूर करेगा, क्योंकि आपके कफ को जो है ये बहुत अच्छे से क्लीन भी करता है। तो बात अब इसकी होगी और मैं बताती हूँ इसे कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है और इसकी क्या डोजेस हैं, और इसका जो सारे लिंक हैं नीचे मैंने डाल दिए हैं, अगर आप परचेज करना चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। क्या होता है कि जब इतनी ज़्यादा पोल्यूशन और इतनी ज़्यादा गंदगी की वजह से क्या होता है, हमें कफ की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर आपके लंग्स क्लीन नहीं है, उसमें गंदगी जमा है,
तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे और कफ बाहर नहीं निकालेंगे। तो उसको क्लीन करके ही आप जो कफ और ये सबसे दूर रह सकते हैं और आपको इतनी जल्दी खांसी भी नहीं आएगी। तो मेन इसका काम यही है। तो ये इसको जो पहले बात तो मैं बता दूं कि इसे कौन कौन नहीं ले सकता है, इसे बच्चे नहीं ले सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं ले सकती हैं, लैक्टिंग वुमेन, जो भी बच्चे अपने आप को जो भी माएँ दूध पिलाती हैं वो नहीं ले सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट, हाई बीपी डिसीज और एनी मेडिसिन, जो भी मेडिसिन जैसे किसी की मान लीजिए चल रही है किसी पर्टिकुलर की, तो वो नहीं ले सकते, वरना हर कोई इसे ले सकता है। इसकी डोजेज जो हैं वो आपको बिफोर मील जो लेनी है हल्के गर्म पानी से एक या दो कैप्सूल, जैसे जो लोग स्मोकर हैं जो लोग पीते हैं ये सारी चीज़ें उनको दो कैप्सूल लेना है, और जो नॉर्मल है जैसे हम जैसे आप लोग हैं जो ये सब नहीं करते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं मेरे लंग्स भी क्लीन होने चाहिए हमें अंदर से, क्योंकि हम हर चीज़ तो डिटॉक्सिफाइन कर लेते हैं, अंदर की जिस चीज़ों को डिटॉक्सिफाइन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो वो इन्हीं में से एक है कि अगर आप इसे खाएंगे आपके लंग्स क्लीन होंगे, लंग्स क्लीन होंगे तो आपको आगे चल के कभी सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, दमे की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप इनहेल करते हो तो उनको उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आगे चल के वो मेडिसिन आपकी बंद हो सकती है, साथ ही साथ आपका जो है कब की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको कभी कभी बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो एक बार जरूर प्रिपरेशन है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, आप ये मत सोचिए कि कुछ भी करेगा क्या करेगा, ऐसा नहीं है, ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर चेक करिएगा कि कितने का है, कि मतलब कि क्योंकि ऑफर्स चला करते हैं तो जो मैंने रेट बताया ऐसा नहीं है कि आपको इसी रेट में मिले, आपको कम का भी मिल सकता है। तीन चार लिंक दिए हैं बड़ी बड़ी साइट्स के, तो तीनों चारों पे चेक कर लीजिएगा, उसके बाद परचेज करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।